बच्चों साउथ अमेरिका के हवाले से सबसे ज़्यादा सवाल इनकी लैंग्वेजेस पे आता है। सरी नाम की यहाँ जी क्या बताई थी मैंने अभी, डच यानी हॉलैंड वाली लैंग्वेज, और गयाना की जनाब इंग्लिश, ब्राज़ील की पुर्तगीज, और फ्रेंच गयाना नाम से जाहिर है हो रहा है कौन सी लैंग्वेज होगी, फ्रेंच होगी, फ्रेंच गयाना यानी फ्रेंच। तो प्यारे बच्चों ये कंट्रीज वो हैं जहाँ स्पेनिश मेजॉरिटी लैंग्वेजेस नहीं है, बाकी सारी साउथ अमेरिका में इसका मतलब है कि मेजर लैंग्वेज कौन सी होगी, स्पेनिश होगी। तो ब्राज़ील में पुर्तगाली बोली जाती है, फ्रेंच गयाना बेसिकली फ्रांस का कब्जा है यहाँ, फ्रेंच बोली जाती है, गयाना में इंग्लिश, सरीनेम में नैदरलैंड की लैंग्वेज डच, बाकी सब में स्पेनिश। अब एक बड़ी दिलचस्प बात, साउथ अमेरिका में सबसे बोली जाने वाली जुबान कौन सी है, पुर्तगीज। आप बोलोगे यार ये क्या बता रहे हो सर, अभी तो आप कह रहे हो कि सिवाय चार मुल्कों के हर जगह स्पेनिश आई है, इसके बावजूद क्योंकि 53% जो पॉपुलेशन है साउथ अमेरिका की वो कहाँ है, ब्राज़ील में। तो यही वजह है कि ब्राज़ील की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, यही वजह है कि वहाँ सबसे ज़्यादा लैंग्वेज। अब देखो अर्जेंटीना का ना सिर्फ कैपिटल इम्पोर्टेंट है, हाँ ब्यूनस आयरस, बोलीविया का कैपिटल है लापास, अच्छा दुनिया का सबसे ऊंचा कैपिटल भी लापास है, चाइल का सेंटियागो जिसे हम चिल्ली कहते हैं, कोलंबिया का बोकोता, इक्वाडोर का क्योतो, फ्रेंच गयाना का कैपिटल इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे अहम बात ये कि फ्रांस का सबसे बड़ा बॉर्डर किस कंट्री से मिलता है, ब्राज़ील से, सुन के लोग बेहोश हो जाते हैं कि फ्रांस तो यूरोप में, बिल्कुल जी, लेकिन ये भी उसी की कॉलोनी है ना, तो इसका बॉर्डर ब्राज़ील से मिलता है। फिर गयाना का जॉर्जटाउन, पैराग्वे का असंशन, पीरू का लीमा, सरीनेम का भी कैपिटल इम्पोर्टेंट है, ये यूरोग्वे का इम्पोर्टेंट है, क्यों, इसका कैपिटल मोंटेवीडियो है, और फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप मोंटेवीडियो में हुआ था और जीता किसने था, यूरोग्वे ने। और वेनेजुएला का ना सिर्फ कैपिटल गराकस इम्पोर्टेंट है, उसकी करेंसी बोलीवर भी इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर साउथ अमेरिका में ऐसे पीसो करेंसी है, ठीक है। और जो सबसे अहम बात है, दुनिया की सबसे ऊंची वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल वो भी कहाँ पर है, वेनेजुएला में, ठीक है जी।